All respectable dignitaries, सभी स्वामी जी पर श्रद्धा रखने वाले और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर कार्य करने वाले सभी उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले ये मेरा परम भाग्य है कि 94th बर्थडे की सेलिब्रेशन की इस कार्यक्रम में शरीक होने का मुझे मौका मिला. इट इज़ ए ग्रेट प्लेजर एंड प्राइड फॉर मी. टुडे इन दिस ऑस्पिशियस डे आई एम हियर. मैं आप सबको मार्गदर्शन करने का मेरा अधिकार नहीं है, पर मैं ये मानता हूँ कि यहाँ मैं तीसरी बार आया हूँ. पहली बार मैं जब आया था तो स्वामी जी का आशीर्वाद मैंने लिया था, और दूसरी बार जब मैं बेंगलोर में था और स्वामी जी की समाधि के दिन ही येदुरप्पा जी और मैं दोनों, जैसे हमको पता चला, मैं दर्शन करने के लिए उस दिन भी आया था. उनके जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हमारी भारत की जो जीवन पद्धति है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम एंड वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम, ये दोनों हमारी सबसे बड़ी ताकत है. और स्वामी जी ने अपने विचारों से हमें हर समय समाज की सेवा करने की प्रेरणा दी. शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अनमोल और अभूतपूर्व कार्य स्वामी जी ने किया है, और सबसे खुशी की बात है कि उनके पश्चात भी वो कार्य उसी गति से शुरू है, इसलिए मैं सभी ट्रस्टीज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ. उनके जीवन संदेश में उन्होंने हम सबको एक मार्ग दिखाया है, जो सत्य का मार्ग है, जो सेवा का मार्ग है, और हमारे समाज में उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो उन्होंने सेवा और शिक्षा के साथ, मूल्याधिष्ठित संस्कारों के साथ हम सबको जो दिशा और मार्गदर्शन दिया है, उसको उन्होंने ज्ञान और विज्ञान को भी जोड़ा है. मैं ये मानता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल्ड, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री. पर ज्ञान परिपूर्ण नहीं है. ज्ञान के साथ जो जीवन मूल्य है, जो सेवा का भाव है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है. और इसलिए हमारे जीवन में इन मूल्यों का, गुणों का अनुकरण करते समय स्वामी जी का जो जीवन भर मार्गदर्शन आप सबको मिला, हम सबको मिला है, उसका परिणाम यह है कि पूरे दुनिया में, कोने कोने में, स्वामी जी के डिवोटीज आज भी उनके मार्ग पर चल रहे हैं. हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है कि थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान भावे हाच सापडे बोध करा. यानी हमारे जीवन में जो जो थोर महात्मा हो गए हैं और के उनके जीवन में जो उन्होंने कार्य किया है, उसी प्रकार का कार्य हम भी अपने जीवन में करने की कोशिश करें, यही बोध हमको उनके जीवन से मिलता है. और आई फील दैट this inspiration and motivation is really most important thing for all of you for our life. जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु निश्चित है. ये यावत चंद्र दिवाकरो यह नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है. पर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कितने कार्यकाल में वो जीवन में जिया है, इससे ज़्यादा उसके जीवन में उसने क्या कार्य किया है, वह उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है.
स्वामी जी का जीवन पूरे समाज के लिए, गरीब के लिए सत्य का मार्ग दिखाते हुए उन्होंने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया था। जो समाज में शोषित है, पीड़ित है, दुखी है, जिनके जीवन में समस्या ही समस्या है, ऐसे अनेक अस्वस्थ आत्मा को, व्यक्तियों को उन्होंने अपने जीवन में शांति का संदेश दिया और उसके जीवन में उसको जीने की प्रेरणा दी और किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए मार्ग भी दिखाया। मुझे बहुत खुशी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो एजुकेशन जो है, ये हमारे लिए देश के भविष्य के निर्माण के लिए होने वाली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और एजुकेशन के इस क्षेत्र में हमारी भविष्य की जनरेशन और शिक्षित हो, समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे, इसके लिए शिक्षा संस्थान के द्वारा जो आज रिपोर्ट दिया गया है, उससे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है कि जहाँ भी हमारे स्वामी जी होंगे उनको सबसे ज़्यादा होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जीवित रहता है तो उसका कार्य अच्छा ही होता है, पर उसके बाद में फिर काफ़ी अड़चने और समस्याएं खड़ी होती है। पर ये हम सबको स्वामी जी का आशीर्वाद है कि उनके पश्चात भी उनके विचारों पर आधारित ये कार्य उसी प्रकार से आगे जा रहा है। मुझे और एक खुशी है कि बहुत से बार मैं अनेक लोगों से मिलता हूँ, तो विशेष रूप से मैं भी करीब मेरे जीवन में 80% समय सामाजिक कार्य को देता हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और जब मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था 2004 में, और पूरे पुलिस बंदोबस्त में एक्सीडेंट ट्रक पे जाकर कार डैश हुई और मेरी पत्नी, मैं, मेरे बेटे सब थे। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर हम सब लोग उससे बच गए। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि ये कैसे संभव हुआ, तब मैंने उनको यही बात बताई कि मैं करीब पिछले 15-1 साल से ऐसे ही स्वामी जी जैसे एक प्रकार से भगवान के रूप में जो दिशा उन्होंने हमको बताई, वैसे थोड़ा बहुत सेवा का काम करता हूँ। 8 से 9 हज़ार हार्ट के ऑपरेशन मैंने मुफ्त में किए, कुछ लोगों को पैर लगा के दिए, और ये काम मैं लगातार रिलीजियसली करता हूँ। तो मैंने उस समय यही कहा था कि जिनकी सेवा करने का मौका मुझे मिला, उन लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिए, उसी के कारण मेरी जान बची, मेरे परिवार की जान बची। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल भगवान हमको देते हैं, और अच्छा कर्म करने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, केवल भाषणों से नहीं, विचारों से नहीं, कि प्रैक्टिकल खुद व्यक्तिगत जीवन में कृति से करके उन्होंने हमारे सामने एक दिशा दी है, मार्गदर्शन किया है। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, ह्यूमैनिटी, मानवता, ये विचार किताब और भाषणों तक सीमित नहीं है। तो चाल चलन, व्यवहार और चरित्र जो है, वो व्यक्तिगत जीवन में हम लोग किस प्रकार से चल रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों के जीवन में स्वामी जी के इस विचारों की प्रेरणा आपके जीवन दृष्टिकोण को, आपके जीवन की विजन को उसने मजबूत किया है। मैं तो आज केवल इसीलिए आया हूँ कि आज मैं भी स्वामी जी का वंदन करूँ और मुझे वो ऐसा आशीर्वाद दे कि मुझे सत्ता में कोई पद चाहिए इसके लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए। मेरे हाथ से भी उन्होंने मार्ग पर दिखाए, इस मार्ग पर गरीबों की, शोषित पीड़ितों की सेवा करने की शक्ति मुझे मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य मेरे हाथ से हो, यही आशीर्वाद उनका मिले, यही उनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर से एक बार उनके स्मृति को अभिवादन करता हूँ। और हम ये मानते हैं कि आत्मा जो होता है वो अमर है, और इसलिए आज भी हमारे साथ स्वामी जी कहीं ना कहीं हमारी सब बातें सुन रही हैं।
और उनकी दिव्य दृष्टि और उनका आशीर्वाद आप सबको भी मिलेगा और मुझे भी अच्छा कार्य करने के लिए लगातार मिलता रहेगा। मैं उनके चरणों में फिर से एक बार अभिवादन करता हूँ और आज मुझे इसमें आशीर्वाद लेने का ये भाग्य आपने मुझे आज दिया है, इसलिए मैं आपका भी हृदय से आभार मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत नमस्कार।